गाजा में हमास और इजरायली बलों के बीच खूनी संघर्ष का खेल बदस्तूर जारी है। गाजा के अलग अलग हिस्से में फैले लड़ाके इजरायली बलों पर चौतरफा हमले कर रहे हैं। हमास के प्रतिरोध गुट कई हिस्सों में अलग अलग तो कई एक साथ मिलकर इजरायली बलों पर हमलावर हैं। गाजा में हमास के बिछाए चक्रव्यूह में इजरायली सैनिक बुरी तरह फंसते जा रहे हैं। एक साल बाद भी IDF के लिए गाजा अबूझ पहेली बना हुआ है। यही वजह है कि गाजा में प्रतिरोध लड़ाकों का इजरायली सेना से लगातार टकराव जारी है। खास तौर पर उत्तरी गाजा के जबालिया रिफ्यूजी कैंप में आर पार की लड़ाई जारी है। इस बीच फिलिस्तीनी प्रतिरोध ने उत्तरी गाजा के जबालिया शिविर के पश्चिम में बड़ा धमाका किया। अल्फखौरा स्कूल के पास एक इजरायली बलों के ठिकानों को उड़ा दिया। समूह ने दावा किया कि इसमें इजरायली सेना को बड़ा नुकसान पहुंचा है। इस दौरान हमास की सबसे खूंखार मिलिट्री विंग अल कसाम ब्रिगेड ने इजरायली सेना के अधिकारी और 3 सैनिकों की हत्या की जिम्मेदारी ली, जो इजरायल की रेथ यूनिट से जुड़े हैं। ये इजरायली सेना की मल्टीटास्किंग फोर्स में से एक बताई जाती है। इजरायली सेना ने 29 अक्टूबर को जबालिया में उनकी मौत की पुष्टि की थी। अल कसाम ने कहा कि उसने यासीन 150 शेल से एक इजरायली D9 बुलडोजर को निशाना बनाया। इसके बाद एंटी पर्सनल डिवाइस से इजरायली सैनिकों के समूह पर हमला किया। दावा है कि इससे बड़ी संख्या में जवान हताहत हुए। अपने दावे की पुष्टि करते हुए समूह ने वीडियो भी शेयर किया। हाल में हमास ने दावा किया कि लंबे संघर्ष के चलते इजरायली सैनिकों की ताकत कमजोर पड़ती जा रही है। सैनिक जंग के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। इससे इजरायल को अलग अलग मोर्चे पर भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। समूह ने बयान जारी कर कहा कि फ्रंट लाइन से लौटने के बाद हमारे लड़ाकों ने इजरायल के पैदल सेना के गश्ती दल को निशाना बनाकर पहले से तैयार किए गए घर को विस्फोट करके उड़ा देने की पुष्टि की। इससे उत्तरी गाजा में जबालिया कैंप के पश्चिम में अल फकूरा स्कूल के पास मौतें और चोटें आईं। दुश्मन ने इस ऑपरेशन में एक अधिकारी और 3 सैनिकों की मौत की घोषणा की। लड़ाकों ने घात लगाकर हमला करने की पुष्टि की। इसमें एक D9 इजरायली बुलडोजर को अल यासीन 150 शेल से और एक एंटी पर्सनल विस्फोटक के साथ सैनिकों के एक समूह को निशाना बनाया। अल कसाम ब्रिगेड ने इस सप्ताह बेत लाहिया में 4 मरकवा टैंक, 1 बख्तरबंद कार्मिक वाहक और 2 इजरायली सैन्य बुलडोजर को तबाह करने का दावा किया। इसके अलावा फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के अल कुदस ब्रिगेड ने भी इजरायल बलों पर हमले का दावा किया। उत्तरी गाजा के अल अतात्रा में पहले से लगाए गए थाकिक विस्फोटक उपकरण को विस्फोट करके एक इजरायली बख्तरबंद वाहन को नष्ट करने की जिम्मेदारी ली।